कम बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पे दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक का जिक्र करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो एक अपने सेक्टर मतलब एग्रोकेमिकल सेक्टर का बादशाह स्टॉक है दोस्तों निवेशकों को लगातार माला माल करता आया है एफ आई ने भी माल उठा के रखा है वो भी 40 परसेंट का दोनों को अगर हम मिला लें अगर आपने इस कंपनी में माल उठा लिया तो दोस्तों आपका माला माल होना तय है उसमें कोई डाउट ही नहीं है और कंपनी शानदार है तो हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी है वीडियो बनाने का मकसद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब दोस्तों बीस पच्चीस परसेंट फॉल दिखा रहा है तो मुझे लगता है ये एक सही अपॉर्चुनिटी है मार्केट जैसे ही बाउंस बैक लेगा ये स्टॉक बहुत लंबे समय से लीडरशिप कायम रखे है अपनी तो इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए तो दोस्तों स्टॉक कौन सा बताऊंगा वीडियो में रहिएगा पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना आज के दिन के ऑलरेडी तीन वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप जाके देखिए सभी के सभी मल्टी रिटर्न आपको दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू पर चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक बेहतरीन कंपनी मार्केट लीडर पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा इसने बनाया है जैसा आप जानते हैं बहुत ही इसकी स्ट्रांग प्रेजेंस देखने को मिलती है ग्लोबल मार्केट में एग्रोकेमिकल के अंदर बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी तो दोस्तों इस कंपनी पर आपकी नजर होनी चाहिए स्टॉक ऑलमोस्ट पैंतीस रुपए के लेवल पर देखा जा रहा था वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन उन्नीस सौ पे अभी आपके सामने देखने को मिलता है तो इस कंपनी पर आपकी नज़र होना चाहिए फिलहाल कंपनी दो तरीके में कामकाज करती है तो दोस्तों इस बात को भी आपको रखना ध्यान इंटरमीडिएट्स का एक पहली कैटेगरी है इसकी जो कि इनएक्टिव बोलते हैं और दूसरी है दोस्तों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड है जिसमें छिहत्तर परसेंट का इसका बिजनेस देखने को मिलता है प्रोडक्ट इसके बहुत ही बेहतरीन है और मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी इस कंपनी के दोस्तों कस्टमर के तौर पर देखे जा रहे हैं तो इस कंपनी को आप नज़र में रखिएगा तीस से ज़्यादा देशों में इसकी प्रजेंस है फिलहाल और चार ग्लोबल ऑफिसर्स भी ऑफिसर्स देशों में भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है फिलहाल की अगर हम बात करें तो इंडिया जापान चाइना जर्मनी के ऐसे बड़े देशों में इसका माल जाता है और यू एस ए भी इसका माल जा रहा है यू एस ए ब्राज़ील सऊदी अरेबिया और म्यांमार इंडोनेशिया इस तरीके से यू के फ्रांस में भी इसका काम जा बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है प्रजेंटली बात करें सतर परसेंट जो इसका व्यापार है वो एक्सपोर्ट से ही आता है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सपोर्ट कंट्रीज मतलब बाहर जहाँ से सप्लाई कर रही है और तेईस परसेंट का व्यापार भारत के अंदर देखने को मिलता है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो कंपनी शानदार है मैंने बहुत बार ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं ताकि आप लोग इस कंपनी पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए दोस्तों तो दोस्तों इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत ही उमदा है दस हज़ार माफ़ करें एक लाख से ज़्यादा रिटेलर तक इसकी पहुंच है तो इस कंपनी पे आपकी नज़र होनी चाहिए और ऐसा है नहीं है सिर्फ मैं कंपनी के बारे में आपको चीज़ बता रहा हूँ इसने अपने आप को प्रूफ करके भी दिखाया है और निवेशकों को अब तक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिया है और दोस्तों आगे आने वाले तीन से चार सालों में ऑलमोस्ट ढाई माफ़ करें डेढ़ बिलियन डॉलर का इसमें और भी एक करार होता देखने को आपको मिल सकता है तो दोस्तों एग्रो फार्मा सभी के लिए एक अपने अपने आप से कामकाज कर रही है और बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का पैसा है जैसे आपको बात करूँ मैं दोस्तों आई म्यूचुअल फंड का भी बहुत सारा पैसा है आदित्य बिरला एक्सेस म्यूचुअल सुंदरम फंड ऐसे बड़े बड़े फ़ंड्स का इसके अंदर पैसा देखने को मिलता है तो अगर हम बात करें आज के दिन के कामकाज की तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आज स्टॉक में मामूली सी गिरावट है लगभग एक की दोस्तों ये करीब उनतीस पे आपको आज के दिन क्लोज होता देखने को मिला है यदि हम इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक में अच्छा खासा फॉल आया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये बात एक हफ्ते में लगभग एक परसेंट का करेक्शन आपके सामने है महीने भर का टाइम फ्रेम ले लें तो साढ़े चार परसेंट के बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करने में सक्षम रही है कंपनी छह महीने की बात करें तो दोस्तों थ्री पॉइंट टू एट परसेंट तो दोस्तों एक लंबे समय से कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक अच्छे पैसे बना के आपको देगा साल की शुरुआत से लगभग 29 परसेंट के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है पीआई और वन ईयर का टाइम फ्रेम लें तो ऑलमोस्ट 26 परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं इस साल बहुत अच्छा इसने रिटर्न नहीं दिया लेकिन दोस्तों एक मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने वाली कंपनी है लंबे समय के लिए दो के रिटर्न फाइव ईयर में है बात करें अगर लॉन्ग टर्म की तो तीन के रिटर्न दे चुकी है तो पी इंडस्ट्रीज़ को नज़र में आप रख सकते हैं कोई समस्या नहीं है कंपनी बेहतरीन करती आ रही है और मार्केट लीडर भी है दोस्तों पैंतालीस करोड़ के आसपास का मार्केट मार्केट कैप साढ़े चौलीस हज़ार का और लगभग दोस्तों चौवन दशमलव छः आठ लगभग पचपन के पी पे फिलहाल ये कंपनी कामकाज करती देखने को मिल रही है बात करेंगे आज के दिन की डिलीवरी किस तरीके की उठाई स्टॉक में वो भी आपको बताने वाला हूँ बस आप वीडियो में रहिएगा तो उसके सामने आपको बताया कि स्टॉक ऑल टाइम हाई करीब पैंतीस का है मतलब थ्री ये 14 सितंबर को इसने हिट किया था उन्नीस इसका एक साल का लो है अगर हम बात करें इस कंपनी के डिलीवरी डिटेल की तो 9 दिसंबर का डाटा आपके सामने है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वन लाख से एक लाख संतानवे हज़ार पाँच सौ शेयर पे कामकाज हुआ है डिलीवरी के तौर पे बयालीस हज़ार दो सौ अड़तीस शेयर को उठा लिया गया इनका परसेंटेज आप देखें तो 21 परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हालांकि एक एक्साइटिंग नहीं है बहुत ज़्यादा डिलीवरी लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं कंपनी अच्छा काम काज कर रही है लीडर है अपने सेक्टर का बाकी आप अगर चाहिए तो भारत रसायन पर भी नज़र रख सकते हैं दोस्तों कंपनी वो भी एक बेहतरीन है वो भी एक एग्रोकेमिकल कंपनी है तो दोस्तों इस स्टॉक को आप नज़र में रखिए और ये आपको आगे आने वाले सालों में बड़ा पैसा बना के दे सकती है ऐसा बिजनेस को देख के लग रहा है दोस्तों तो